हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल शर्मा और अब हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर। कोरोना वायरस के केस दोबारा से रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो कृपया मास्क यूज़ कीजिए। जब भी आप बाहर जाएं, मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर साथ रखिए। और अब जब भी अब से मामले बढ़ रहे हैं और इसमें ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता ही जा रहा है फ्रेंड्स, तो ये मैं चाहूँगा कि मैं आपको पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा, जो आज ही मैंने मार्केट से दिखाना चाहूँगा कि अब लोग क्या कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कोरोना चला गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा सा वीडियो क्लिप। आप पहले ये देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आपने ये वीडियो देख ली होगी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो में हैं वो किसी ने भी मास्क नहीं यूज़ करते, और मैंने काफ़ी लोग मार्केट में देखे हैं जो मास्क यूज़ ही नहीं करते, दोबारा से ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोरोना है ही नहीं, कोरोना किसी कोई कोई बीमारी ही नहीं है जैसे कि। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, कोरोना बहुत ज़्यादा है, दोबारा से फिर रिकवर बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे एक नॉन में हैं, वो खुद 3 मंथ से कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और उनको अब तक भी ऑक्सीजन लेवल 90 नहीं हुआ है, 50 या 60 पे विदाउट ऑक्सीजन मास्क के नहीं रह सकते वो। तो फ्रेंड्स, ऐसा दौर दोबारा ना आए जो हमने सेकेंड लहर में देखा है, तो तीसरी लहर ना आ पाए ये हमारे हाथ में है। तो आप कम से कम फ्रेंड्स मास्क जरूर लगाइए, विदाउट सैनिटाइज़र के मार्केट में मत जाइए। इतना ही मैं आपको इस वीडियो में कहना चाहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।